दोस्तों आपको बता होगा हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली NCR में पटाखों पर इस बार दिवाली पर बैन लगा दिया था। यानी कि पटाखों की ना बिक्री हो सकती है, ना खरीदारी हो सकती है, ना ही आम आदमी को पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी इस बार दिवाली पर, राइट। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया तो दिल्ली के ही कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई कि सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण की वजह नहीं होते हैं। ये कुछ हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील लगाई कि इस बार दिवाली पर पटाखे छोड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि प्रदूषण जो है केवल मात्र पटाखों से नहीं होता है। यहाँ तक कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो अपने पड़ोसी राज्यों से भी यही कहा था, उत्तर प्रदेश वगैरह से भी, कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके चलते इस बार पटाखों पर बैन लगाया जाए, राइट। तो दिल्ली सरकार ने भी वायु प्रदूषण का ही कारण बताते हुए पटाखों पर बैन लगाया था। लेकिन हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो उस पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आया, यही इस वक्त की बड़ी खबर है ना। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी दीपावली पर पटाखों को लेकर आज एक बड़ा बयान दिया। देख सकते हैं आप कि दिवाली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कहा कि रोजगार की आड़ में नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन के खिलाफ सुनवाई की और कहा कि कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगियां नहीं छीन सकते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, अब पटाखों पर बैन इस बार रहने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की एक पीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि कुछ लोग अपना व्यापार, रोजगार, कारोबार करने के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बेरोजगार, रोजगार और नागरिक के जीवन के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम दूसरों को अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि मासूम नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना। यदि हमें लगा है कि ये हरित पटाखे हैं और विशेषज्ञों की समिति द्वारा इन्हें स्वीकृत किया गया है तो हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे। यानी कि वो जो नॉर्मली क्रैकर्स आते हैं ना, उनको तो अब बैन ही रखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हरित पटाखों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है छूट दे दे, क्योंकि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और प्रदूषण पटाखों की वजह से ज्यादा फैलेगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा सभी को, राइट। तो कुछ व्यापारियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए हम दूसरे लोगों की जिंदगियां नहीं छीन सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कुल मिलाकर के राजधानी दिल्ली में इस बार वायु प्रदूषण के चलते पटाखे वगैरह बैन ही रहने वाले हैं। फिर भी अगर आप छोड़ते हुए, बेचते हुए, खरीदते हुए पाए जाते हैं तो हो सकता है आप पर कानूनी कार्यवाही की जाए, इसलिए इस बार पटाखों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। वैसे आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सही डिसीजन लिया या नहीं? मेरी राय में, मेरी नजर में तो बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि पटाखों पर बैन होना चाहिए। वाकई में ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। मतलब त्योहार बिना पटाखों के भी मनाया जा सकता है। भगवान खुद आकर के ये नहीं बोलते कि आप पटाखे छोड़ोगे तभी मैं त्योहार पे खुश होऊंगा, राइट। तो हमें अपने आसपास के वातावरण और दूसरे लोगों की जिंदगियों के साथ तालमेल, संतुलन बिठा करके त्योहारों को, फेस्टिवल को मनाना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो एक थम्स अप, एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है, लाइक और शेयर करना, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।